हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर एडिक्टिव। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक थ्रिलर ड्रामा मूवी को, जिसका नाम है ए काइंड ऑफ मर्डर, जिसे डायरेक्ट किया है एंडी गोडार्ड ने। और बात करें इसकी आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, जो है 5.3 आउट ऑफ 10 स्टार। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हम मार्टी नाम के बंदे को देखते हैं। मूवी देखने के लिए वो एक थिएटर में आया हुआ है, लेकिन अचानक से वो उठकर वहाँ से जाने लगता है। वो अपने साथ एक टीनेजर कोवर्कर को भी लेकर गया था, जो उसकी गवाही दे सके। वो मूवी के बीच में उठकर तो जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वापस आ जाता है। इसके बाद हम वॉल्टर नाम के बंदे को देखते हैं। वो अपना काम ख़त्म करके वाइफ को छोड़ने के लिए स्टेशन पर आया था। उसकी वाइफ का नाम क्लारा होता है। क्लारा की मदर की तबीयत ख़राब थी, जो ज़्यादातर ख़राब रहती थी। वॉल्टर आज बहुत एक्साइटेड था। वो क्लारा से कहता है, मेरी स्टोरी पब्लिश हो चुकी है। वो एक आर्किटेक्चर फर्म में काम करता है। क्लारा को उसका इस तरीके से राइटिंग करना अच्छा नहीं लगता। वॉल्टर की एक्साइटमेंट देखकर उसे थोड़ा भी पसंद नहीं आता। वॉल्टर चाहता था वो अपनी कार में क्लारा को उसकी मदर के यहाँ छोड़ दे। क्लारा कहती है, मेरा मूड नहीं है। जब इनकी शादी हुई थी, तब ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड करते थे और अपनी रिलेशनशिप को ठीक रखते थे, लेकिन अब ये सब नहीं होता। वॉल्टर अपने पिछले दिनों को बहुत मिस करता है। वॉल्टर को बुरा लगता है और घर आकर अपनी न्यू स्टोरी पर वो काम करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं मार्टी की वाइफ की डेथ हो चुकी है। इस डेथ की इन्वेस्टिगेशन का काम डिटेक्टिव लॉरेंस देखता है। लॉरेंस एक जाना माना डिटेक्टिव है। किसी चीज़ को वो अगर अपने हाथ में ले ले तो उसे जाने नहीं देता। क्लारा जब अपनी मदर के यहाँ से वापस आई, तब वो देखती है वॉल्टर ने घर में पार्टी रखी है। घर में गेस्ट का आना ये भी उसे अच्छा नहीं लगता। वो हमेशा कंप्लेंट करती है और वॉल्टर हमेशा सारी सिचुएशन को ठीक करने में लगा रहता है। इस पार्टी में वॉल्टर की एक फ्रेंड अपनी फ्रेंड को लेकर आई थी, जिसका नाम एली था। इन दोनों का इंट्रोडक्शन होता है और एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। ये बात भी क्लारा को अच्छी नहीं लगती। एली वॉल्टर से पूछती है, तुम क्या करते हो? वॉल्टर कहता है, मैं आर्किटेक्ट हूँ, लेकिन मुझे राइटिंग करना अच्छा लगता है। वो गैस करता है कि एली भी क्रिएटिव है, शायद वो सिंगिंग करती है, और ये गैस एकदम राइट था। वो लोग और बातें करते हैं, तभी वॉल्टर का एक फ्रेंड उन्हें बीच में इंटरप्ट कर देता है। रात में क्लारा वॉल्टर से एली के बारे में पूछती है। उसे इन दोनों पर शक होने लग गया था। वॉल्टर इस बात को जाने देने के लिए कहता है। वो आज उसकी बजाने के लिए कहता है, लेकिन क्लारा देने के लिए मना कर देती है। वॉल्टर कहता है, आजकल तुम्हारा मूड खराब क्यों रहता है? इन दोनों में फिजिकल रिलेशन हुए काफ़ी दिन बीत चुके थे। वॉल्टर अपसेट होकर फिर से स्टोरी लिखने लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं लॉरेंस मार्टी से मिलने के लिए आया था। लॉरेंस पूरा शक मार्टी पर कर रहा था कि उसने ही अपनी वाइफ को मार डाला है। लॉरेंस उससे कहता है, किलर कितना भी स्मार्ट हो, मैं उसे पकड़ ही लूँगा। अगली रात जब वॉल्टर काम से वापस आता है, तो क्लारा अभी भी उस पर नाराज़ थी। वो कहती है, तुम एली के साथ ही टाइम स्पेंड क्यों नहीं करते? तुम्हें तो वही पसंद है। वॉल्टर को गुस्सा आने लगता है। वो फिर से उसके साथ फाइट नहीं करना चाहता और वो घर से निकल जाता है। अगले सीन में लॉरेंस मार्टी की वाइफ के केस के बारे में पूछता है। लॉरेंस कहता है, मैं मार्टी को पकड़ लेता, लेकिन उस रात उसके साथ उसका कोवर्कर था। उसने गवाही दी है कि मर्डर के टाइम वो मार्टी के साथ था, इसी वजह से वो बच गया। जिसने मार्टी के लिए गवाही दी थी, उसका नाम टोनी था। एक दिन लॉरेंस जब टोनी से पूछताछ कर रहा था, तब मार्टी ये देख लेता है। इसके बाद हम देखते हैं मार्टी टोनी के पास आता है और कहता है, जो आंसर तो तुम पहले देते आए हो, वैसे ही देते रहना, सच उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। अगले दिन वॉल्टर काम से आता है, तब क्लारा फिर से उसके साथ झगड़ रही थी। वो कहती है, तुम्हें और एली को पार्टी में एक साथ सबने देखा। वॉल्टर फिर से उसे समझाता है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, तुम्हें हो क्या गया है? हमारी शादी सिर्फ एक साल तक अच्छी रही, उसके बाद तुम हमेशा मुझसे दूर रहती हो। तुम्हारी हेल्थ के लिए तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वॉल्टर ने काफ़ी टाइम सजेस्ट किया था, लेकिन क्लारा किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहती थी। इस बार उसकी बात मानने के लिए वो रेडी हो गई और गुस्से में अपने रूम में चली गई। वॉल्टर भी गुस्से में कहता है, तुम यहाँ घर में अकेली रहो, मैं जा रहा हूँ। वो एक बार में आता है और यहाँ न्यूज़पेपर में मार्टी की वाइफ के मर्डर के बारे में पढ़ रहा था। इसे पढ़ने के बाद उसे भी यही लगता है कि मार्टी ने ही अपनी वाइफ को मार डाला। ड्रिंक करके जब वो घर वापस आता है, तो देखता है क्लारा ने सुसाइड का अटेम्प्ट किया था। घर की सारी गोलियां उसने खा ली थीं।
वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। डॉक्टर कहता है तुम्हें उसे साइकेट्रिस्ट के पास दिखाना चाहिए था। अगले सीन में वॉल्टर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन अपने फ्रेंड को बताता है। वो कहता है मुझे एक मोमेंट पर लग रहा था कि उसे सचमुच में मर जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं जब वॉल्टर घर पर अकेला था तब उसे मिलने के लिए एली आई। वो उसके लिए कुछ फूल लेकर आती है। वो कहती है तुमने मुझसे कहा था तुम्हारी वाइफ सैटरडे को काम पर जाती है, इसी वजह से मैं यहाँ पर आई। वो आज रात एक जगह पर परफॉर्म करने वाली थी इसलिए उसे भी इनवाइट करती है। रात में वॉल्टर जरा कंफ्यूज होता है लेकिन फिर भी उसके पास चला जाता है। उसका सॉन्ग सुनने के बाद वो उसे बहुत अच्छी लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं क्लारा की तबीयत अब ठीक थी। वो उसे घर पर लेकर आता है। क्लारा कहती है मुझे प्रॉमिस करो कि कभी मुझको छोड़कर नहीं जाओगे। घर आकर उसने एली के दिए हुए फूलों को नोटिस किया। वॉल्टर से पूछने के बाद वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई। वो उससे कहती है तुम एडमिट करो कि तुम्हारा उसके साथ अफेयर चल रहा है। वॉल्टर कहता है तुम्हारा मुझ पर यूं शक करना प्लीज़ इसे बंद करो। वो वहां से चला जाता है। इसके बाद जब वो फिर से न्यूज़पेपर देख रहा था तो उसे लगता है कि उसे जाकर मार्टी से मिलना चाहिए। एक किलर कैसा होता है इस बारे में उसे क्यूरियोसिटी थी। मार्टी बुक सेल करता था इसलिए वॉल्टर उससे एक बुक के बारे में पूछता है। बातों बातों में वो मार्टी से पूछता है तुम्हारी वाइफ की डेथ हो गई थी क्या उसका किलर मिल गया। मार्टी इस बात पर जरा गुस्सा हो जाता है और उसे इग्नोर कर देता है। आज रात जब वॉल्टर घर पर आया तब क्लारा कहती है मैंने तुम्हें तुम्हारे ऑफिस से फॉलो किया, तुम एली के पास गए थे। वॉल्टर फिर से कहता है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है लेकिन अब वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो उसे कहता है मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहता हूँ, मैं मेरी लाइफ इस तरह से नहीं जी सकता। क्लारा कहती है अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं सुसाइड कर लूँगी, मेरी मौत की जिम्मेदार तुम होगे। अगले दिन जब वॉल्टर घर पर आता है तब क्लारा घर पर नहीं थी। उसकी मेड उसे बताती है क्लारा की मदर की तबीयत खराब है जिसे देखने के लिए वो गई हुई है। वो जल्दी से बस स्टॉप पर क्लारा के पास पहुंचा। वो कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। क्लारा कहती है मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ ईजी कर दिया है, तुम दो दिन और एली के साथ बिता सकते हो। वो बस में चढ़ जाती है लेकिन वॉल्टर को उससे बात करनी थी इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है। एक होटल पर बस के रुकने के बाद वॉल्टर क्लारा को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती। अगली सुबह जब वो घर पर पहुंचा तब उसकी मेड कहती है क्लारा की मदर की डेथ हो चुकी है। वो क्लारा को कॉल करना चाहता था लेकिन क्लारा अपनी मदर के यहाँ पहुंची ही नहीं थी। इसके बाद हमें डायरेक्टली क्लारा की डेड बॉडी दिखाई जाती है। एक बहुत बड़े ब्रिज से गिरने के बाद उसकी डेथ हो गई थी। वॉल्टर को बहुत बुरा लगता है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने वाला भी डिटेक्टिव लॉरेंस था। लॉरेंस वॉल्टर से पूछता है क्या क्लारा ने सुसाइड की होगी। वॉल्टर कहता है उसने कुछ दिन पहले ही सुसाइड का ट्राई किया था तो शायद ये भी हो सकता है। लॉरेंस पूछता है उस रात क्या हुआ। वॉल्टर कहता है मैं क्लारा से मिलने के लिए गया था, वो जब अपनी मदर से मिलने के लिए चली गई तो मैं अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए गया। इसके बाद हमें कुछ सीन दिखाए जाते हैं जिससे हमें पता चलता है वॉल्टर उस रात एली से मिलने के लिए गया था। उस रात वो उसकी बजा रहा था, इसका मतलब साफ है कि हमेशा से एली के साथ उसका अफेयर चल रहा था। इसके बाद वॉल्टर आकर एली को बता देता है कि मैंने तुम्हारे बारे में पुलिस को बता दिया है। एली को ये बात अच्छी नहीं लगती। अगले सीन में लॉरेंस मार्टी से मिलने के लिए आया था। वो कहता है जिस तरह से तुम्हारी वाइफ की डेथ हुई है उसी तरीके से क्लारा की भी डेथ हुई है। मैं इस बात को इग्नोर कर देता लेकिन जब भी वाइफ की डेथ होती है तो ज़्यादातर इसके पीछे हस्बैंड ही होते हैं। तुम्हारे साथ काम करने वाले टोनी से भी मैं आजकल बात कर रहा हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। लॉरेंस के इस तरह से इन्वेस्टिगेशन करने से मार्टी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। अगले सीन में क्लारा का फ्यूनरल होता है। इसके बाद हम देखते हैं वॉल्टर अपने फ्रेंड के साथ था। वो उसे कहता है कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उसे मार डालूं। उसे इस बात के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसका फ्रेंड कहता है मारने में और लगने में बहुत ही फर्क होता है, ज़्यादा टेंशन मत लो। क्लारा की डेथ के बाद वॉल्टर के यहाँ काम करने वाली मेड भी उसे छोड़कर चली जाती है क्योंकि उसे लगता था क्लारा के मर्डर के पीछे वॉल्टर का हाथ है। अगले सीन में वॉल्टर को लॉरेंस पुलिस स्टेशन बुलाता है। वहाँ पर उसने एक आदमी को बुलाया था जो वॉल्टर को पहचान लेता है। उस आदमी के जाने के बाद लॉरेंस वॉल्टर से कहता है ये आदमी बता रहा था कि उस रात होटल में तुम क्लारा को ढूंढ रहे थे, तुमने मुझे उस रात के बारे में झूठ कहा। क्लारा से मिलने के बाद तुम डायरेक्टली घर नहीं गए थे, तुम उसका पीछा कर रहे थे। वॉल्टर इस बात को मान लेता है। वो कहता है हम दोनों कुछ बात कर रहे थे, उसी को मैं फिनिश करना चाहता था।
लेकिन वो बीच में ही चली गई थी, इसलिए मैं उसका पीछा कर रहा। जब मैं होटल में पहुंचा तब वो मुझे नहीं मिली। मुझे लगा शायद वो टैक्सी करके आगे चली गई, इसलिए मैंने उसे फिर नहीं ढूंढा। वॉल्टर लॉरेंस को बता देता है हम दोनों डिवोर्स लेने वाले थे। लॉरेंस कहता है जिस तरीके से तुम्हारी वाइफ की डेथ हुई उसी तरीके से मार्टी की वाइफ की भी डेथ हुई है, क्या तुम उसे जानते हो? इसके बाद हम देखते हैं वॉल्टर एली के साथ था। तभी लॉरेंस उससे मिलने के लिए आ जाता है। वॉल्टर जल्दी से एली को घर के अंदर छुपा देता है। लॉरेंस ने यहाँ पर ड्रिंक के 2 ग्लास नोटिस किए। उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर वो किसी के साथ है, तो वो चारों तरफ देखने लग जाता है। वॉल्टर जहाँ पर अपना ऑफिस वर्क करता है उसने वहाँ पर भी देखा। उसे एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें मार्टी की वाइफ की डेथ के बारे में लिखा हुआ था। वो उस पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है तुमने मुझसे कहा था कि तुम मार्टी की वाइफ के बारे में नहीं जानते। वॉल्टर कहता है मैं एक राइटर हूँ, मुझे इस तरीके से न्यूज़पेपर की कटिंग निकालनी पड़ती है, मैं इसके बारे में भूल गया था। वॉल्टर को लगता है कि अब वो मुसीबत में है। वो एली और अपने फ्रेंड के साथ ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहा था। फ्रेंड ने कहा तुम एक लॉयर को हायर कर लो, इससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। वॉल्टर कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे लॉयर की ज़रूरत नहीं। एली को भी जब इस केस के बारे में सब कुछ पता चला तब वॉल्टर पर वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वॉल्टर का फ्रेंड उससे कहता है कुछ दिनों की तुम छुट्टी ले लो, इस केस की इन्वेस्टिगेशन की वजह से उनकी फर्म की इज्जत जा सकती है। लॉरेंस के ऊपर भी इस केस को सॉल्व करने का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। उसका सुपीरियर इस केस को जाने देने के लिए कहता है, लेकिन जब तक वो इसे सॉल्व ना कर ले वो इसे जाने नहीं दे सकता। अब लॉरेंस एली से भी पूछताछ करने के लिए आया हुआ था, लेकिन एली उससे कुछ भी बात नहीं करती। वो फिर वॉल्टर को अपने साथ लेता है और मार्टी के पास आता है। वॉल्टर और मार्टी को उसने इंट्रोड्यूस करवा दिया। वो कहता है तुम दोनों में बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं। वो मार्टी से कहता है वॉल्टर तुम्हारी वाइफ की डेथ में बहुत ही इंटरेस्टेड था, मुझे लगता है वॉल्टर तुम्हारी वाइफ की डेथ के बाद इंस्पायर हुआ। तुमने जिस तरीके से अपने वाइफ को मार डाला उसी तरीके से वॉल्टर ने भी क्लारा को मार डाला। मार्टी गुस्सा हो जाता है और उन दोनों को जाने के लिए कहता है। लॉरेंस जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था इस वजह से एली भी वॉल्टर पर शक करने लगती थी। इसी बात पर वॉल्टर और एली में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। रात में वॉल्टर मार्टी से मिलने के लिए आया। वो कहता है मुझे पता है तुमने ही अपनी वाइफ का मर्डर किया था, लेकिन मैं इस बात को समझ सकता हूँ। मार्टी ने उसे वार्निंग दी, मुझसे दूर रहा करो, तुम्हारी वजह से डिटेक्टिव मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जब वॉल्टर यहाँ से निकला तब लॉरेंस उसे देख रहा था। उसका शक सही निकला, ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। वो मार्टी के पास आता है और उसे बहुत मारता है। ये देखकर टोनी डर जाता है, डिटेक्टिव उसे भी मार सकता है, इस वजह से वो डरकर मार्टी के लिए गवाही नहीं देगा। उस रात जो भी सच में हुआ था सारी बातें डिटेक्टिव को बता देने वाला था। अब मार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसके पास बहुत ही कम पैसे थे और यहाँ से भाग जाना था। वॉल्टर अमीर है इसलिए वो उससे मिलने के लिए आता है। मार्टी कहता है तुम्हारी वाइफ की डेथ होने से पहले तुम मेरे पास बुक लेने के लिए आए हुए थे, ये हम दोनों को कनेक्ट कर सकता है और इसका प्रूफ मेरे पास है। ये चीज़ मैं डिटेक्टिव को नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे पैसे चाहिए। वॉल्टर उससे थोड़ा भी नहीं डरता और वो उसे पैसे नहीं देता। इसके बाद हम देखते हैं वॉल्टर डायरेक्टली लॉरेंस से मिलने के लिए आता है। मार्टी ने उसे अभी अभी जो ऑफर दिया इसके बारे में वो उसे बता देता है। लॉरेंस कहता है तुमने हमेशा मुझसे झूठ कहा है। अब वो वॉल्टर को हेल्प नहीं करने वाला था। आज पुलिस स्टेशन में टोनी भी आया हुआ था। उस रात मूवी देखते वक्त मार्टी कुछ टाइम के लिए गायब हो गया था, इसके बारे में वो लॉरेंस को बता देता है। लॉरेंस फिर डायरेक्टली मार्टी के पास आकर कहता है अब सारी चीज़ें तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। मार्टी सारी चीज़ों की वजह से बहुत ही गुस्सा हो गया था। रात में वो वॉल्टर का पीछा करता है और वॉल्टर को एक टनल में बुलाता है। इन दोनों का पीछा करते हुए लॉरेंस भी वहां पर पहुंच गया था। मार्टी एक जगह पर छुप गया और वॉल्टर पर हमला कर देता है, लेकिन वो एक्चुअल में लॉरेंस था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मैंने ही अपनी वाइफ को मारा था। वो बाद में देखता है जिसको उसने मारा है वो डिटेक्टिव लॉरेंस है। वॉल्टर ये देखकर डर जाता है, मार्टी अब उसे मारने वाला था, लेकिन लॉरेंस के पीछे उसका बैकअप भी है। वो ठीक वक्त पर आकर मार्टी पर गोली चलाकर वॉल्टर को बचा लेते हैं। वॉल्टर थोड़ा सा इंजर्ड था लेकिन अब भी जिंदा है। वहाँ पर पड़े हुए हम उसके फेस पर स्माइल देखते हैं। अब पुलिस को लगेगा क्लारा का मर्डर भी मार्टी ने ही किया था। लॉरेंस इन सब चीज़ों को फिगर आउट कर सकता था, लेकिन अब उसकी भी डेथ हो चुकी है। वॉल्टर की स्माइल हमें सस्पेंस में छोड़कर जाती है, क्योंकि शायद उसने ही क्लारा का मर्डर किया था। उसने होटल तक क्लारा का पीछा किया था,
वो मार्टी की बाइक के मर्डर से ऑब्सेस था, तो उसी तरीके से उसने क्लारा को भी मार दिया। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।